आप धन्य हैं, आपने अपने भक्त को दिया हुआ वरदान पूर्ण किया। हनुमान, मेरे इस प्रलयंकारी शिव त्रिशूल से अब होगा तुम्हारा अंत। हनुमान, मेरे इस प्रलयंकारी शिव त्रिशूल से अब ना तो तुम बचोगे और ना ही तुम्हारे राम की सेना। शंभो, ये तो अनर्थ हो गया। इस त्रिशूल की शक्ति का सामना तो संसार में कोई नहीं कर सकता, हम देवता भी नहीं। ना जाने क्या होने वाला है। ये शिव त्रिशूल, अब ये कौन सी नई आपदा आने वाली है। विद्युन्मली शिवजी के त्रिशूल के साथ। प्रभु, शिवजी का त्रिशूल इस दुष्ट असुर के हाथ में कैसे है? महादेव शिवजी का त्रिशूल? हाँ, वही है ये, महादेव का प्रचंड प्रलयंकारी त्रिशूल, जिसे मैंने वरदान में प्राप्त किया था। वरदान में, वरदान में, वरदान में। मुझे प्राप्त हुआ वरदान अब तुम सबके लिए अभिशाप बनेगा। अभिशाप, शिव जी के इस त्रिशूल की विध्वंसक शक्ति का तोड़ तो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। तुम्हारी अपार शक्ति भी इसके सम्मुख नगण्य है। हनुमान, नगण्य है। प्रभु, ये तो आपसे प्राप्त हुए आपके त्रिशूल को लेकर आपके ही रुद्रांश को क्षति पहुंचाना चाहता है। इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है देवेश्वरी, ये हनुमान की ही नहीं, ये हम त्रिदेवों एवं अन्य देवताओं की भी परीक्षा है, जो असुरों को उनके तप का फल देने के लिए बाध्य है। अब आएगा आनंद मुझे, पूर्ण होगा प्रतिशोध रक्ष योद्धाओं के संघार का, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी
वो राम सेना, खंडित होगा वो राम का अश्वमेध यज्ञ और अंत होगा इस वानर हनुमान का। स्वामी की शक्ति के अनुचित प्रयोग उनके क्रोध को जागृत कर रहा है। कहलाते हो ना तुम हनुमान, तो लो संभालो इस रुद्र अस्त्र को। धर्म की शक्ति ही उसकी मारक बनेगी, अब विजयी होगी रक्ष भावना, राक्षसी सोच का होगा विस्तार। शिवर, अचानक चिंताग्रस्त हो, आप क्यों खड़े हो उठे? प्रभु, घोर अनर्थ कर दिया उस असुर विद्युन्माली ने। उसके द्वारा चलाया गया प्रभु शिव का दिव्य त्रिशूल हनुमान और सेना की ओर बढ़ रहा है, देखिए। हमें खींचे ले जा रहा है, संभल नहीं पा रहे हैं हम। भोलेनाथ के त्रिशूल की अतुलित शक्ति से उत्पन्न ये वायु प्रवाह तो मुझे भी प्रभावित कर रहा है। पुत्र पुष्कल, चाहे जो भी हो जाए, हमें अपने कर्तव्य पर स्थिर रहना है। हाँ काकाश्री, अग्नि और यज्ञ के अश्वों की सुरक्षा करनी है हमें। कैसे करें अपना बचाव हम? घोर महासंकट है ये। हनुमान, पुष्कल, शत्रुघ्न, अश्व और संपूर्ण सेना की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। आपके आशीर्वाद से मैं इस कर्तव्य को निभाने में कोई चूक नहीं करूंगा प्रभु। इस महासंकट का सामना करूंगा मैं, प्रभु शिव के त्रिशूल का प्रहार भी सहूंगा, किंतु प्रभु श्री राम के यज्ञ के अश्व और सेना पर आंच नहीं आने दूंगा। Oh,
स्वप्न में भी आपके त्रिशूल के अपमान की कल्पना नहीं कर सकता मैं। किंतु इस समय आपके त्रिशूल को रोकने का प्रयास करना ही मेरा परम कर्तव्य है। प्रभु श्री राम को दिया हुआ वचन प्राण देकर भी निभाऊंगा मैं। जय श्री राम। आनंदित, अति आनंदित हूं मैं। अब न कोई देवता, ना ही वो विष्णु कोई रक्षा नहीं कर सकता अब इस वानर और उसकी सेना की। नारायण नारायण। हे प्रभु, ब्रह्मांड के अस्त्रों सर्वाधिक प्रचंड शिव त्रिशूल की शक्ति कैसे सहन कर सकेंगे हनुमान? उस दुष्ट विदुन्मली द्वारा इसे चलाने की अनुमति कैसे दे दी प्रभु महादेव ने? देवर्षि, भगवान भी अपने कर्तव्य से बंधे हैं। वरदान देना भगवान के वश में होता है, परंतु उस वरदान का प्रयोग वरदान प्राप्त करने वाले पर निर्भर करता है। विद्युन्माली को नियंत्रित करना महादेव के वश में नहीं है, वो तो स्वयं वरदान देकर विवश है। अपने हनुमान को महासंकट में देखकर भी विवश है स्वामी। उनकी विवशता ही उनके क्रोध में परिवर्तित हो रही है। भैया के नेत्रों में ऐसी तीक्ष्ण क्रोधाग्नि प्रज्वलित होते हुए प्रथम बार देखा है मैंने। ये कैसी विकट परिस्थिति है जिसके परिणाम का विचार ही मुझे भयाकुल कर रहा है। किसी प्रकार हनुमान इस संकट से सकुशल निकल आए, यही प्रार्थना है मेरी। शीघ्र हनुमान जी के पीछे छिप जाओ, वही रक्षित रह सकते हैं हम। किंतु वो भी तो प्रभावित हो रहे हैं इस त्रिशूल की शक्ति से। महादेव के त्रिशूल का सामना कर पाएंगे वो? हमारी रक्षा कर सकेंगे हनुमान? राम काज को अधूरा नहीं रहने देंगे हनुमान, वो अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। सर्वथा उचित है राजकुमार पुष्कल का कथन। संभव असंभव का विचार नहीं कर सकता मैं। अपनी संपूर्ण शक्ति झोंक कर महादेव के त्रिशूल को रोकना होगा तो वो भी करूंगा मैं। हे भोले बाबा, आपके आराध्य प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा बनकर इस दुष्ट असुर ने आपके त्रिशूल के अपमान के साथ इस भक्त की भक्ति की भी परीक्षा ली है। ये भक्त सम्मान पूर्वक आपकी शक्ति का आघात स्वीकार करेगा, किंतु यज्ञ के अश्व और राम सेना को क्षति पहुंचने और आपकी महिमा को खंडित होने से रोकने का हर संभव प्रयास करेगा। त्रिशूल के सम्मुख आए हनुमत भक्त का धर्म निभाए। राम काज जीवन पे भारी
प्राण कपी संकट में डारी। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भक्ति 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 की शक्ति हाँ। सब निरर्थक हो जाएगा आज। वानर, अधिक समय तक तुम अपनी और इस सेना की मृत्यु टाल नहीं सकते। महादेव के अस्त्र और सेना के बीच उचित दूरी बनाकर सेना की रक्षा करूंगा मैं। मुझे एकाकी बड़े हनुमान जी का साथ देना चाहिए। राजकुमार पुष्कल, मेरी सौगंध है आपको, आप या अन्य कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। इस संकट से मैं जूझ रहा हूं। आप सभी यज्ञ के अश्व की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। आप मेरे दिव्य कुंडल और कंठहार देख सकते हैं, किंतु जगत में मात्र तीन व्यक्ति ही उन्हें देख सकते हैं, मेरी माता, मेरे गुरुदेव और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम। मैं तुम्हारा गुरुदेव नहीं हूँ, माँ भी नहीं हूँ। प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम, अंततः मेरे इन व्याकुल नेत्रों को आपने दर्शन दे ही दिए। प्रभु, जिसके साथ प्रभु श्री राम हो उसके लिए क्या संभव और क्या असंभव। तुमने मेरी जानकी को ढूंढकर मुझे, लक्ष्मण को और संपूर्ण रघुकुल को नष्ट होने से बचाया है। किसी देवता, ऋषि मुनि या योद्धा ने भी मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर मुझे अपना ऋणी नहीं बनाया है। सेवक का धर्म है, मैंने जो कुछ भी किया आपकी कृपा से ही किया। प्रभु, कुछ भी कहो हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋण होने के लिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हें अपने हृदय से लगाने के। आपने तो इस निराशा के अंधकार में अपने वचनों से आशा के दीप जला दिए, और जिस दिव्य शक्ति ने ये महाविनाश होने से रोका है वो कोई अन्य नहीं, महाबली हनुमान ही है। त्रिशूल की शक्ति एवं उनके कोप जनित तांडव का परिणाम कैसे सहेगी सृष्टि। हनुमान, तुमने लक्ष्मण
और समस्त सेना के उपचार के लिए जो कठिन कार्य किया है उसके लिए पुरस्कार स्वरूप मैं तुम्हें उन्हें हृदय ही लगा सकता हूँ। देखिए प्रभु, यही है मेरा एकमात्र सत्य। मैं आपका क्रोध, आपकी पीड़ा, आपकी विवशता समझती हूँ स्वामी। यज्ञ की मर्यादा से बंधे हैं आप, उसे अधूरा छोड़कर यहाँ से उठ नहीं सकते। इसलिए भक्त के इष्ट होने के नाते उसकी सहायता करने में अक्षम है। अपने समक्ष कितने राक्षसों को पाप और अधर्म करते देख प्रभु को उन पर क्रोध भी अवश्य आया होगा, किंतु आज जैसा रौद्र रूप कदाचित किसी ने ना देखा होगा। महाराज राम को अपने क्रोध को शांत करना ही होगा। आज अपने अनन्य भक्त हनुमान को ऐसे महासंकट में देखकर उनका क्रोध सभी सीमाओं को तोड़ चुका है। मुझे भय है हनुमान की रक्षा के लिए कहीं वो यज्ञ छोड़कर ना उठ जाए। माँ, 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 परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट और बड़ी हो, हमें अंतिम श्वास तक साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए।